बेकरारी है, बस प्रश्न पूछने की बेकरारी है। पर किन से? उनसे। तो फिर चलो। तो चलो। नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते। बताइए सर, किन परिस्थितियों के कारण माता पिता अपने बच्चों की कम उम्र में शादी करा देते हैं? देखिए, कई कारण होते हैं, कई सामाजिक कारण होते हैं, कई बार आर्थिक भी कारण होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि शायद उससे बेहतर दूल्हा, अगर वो उस समय पे उस लड़की की शादी नहीं कराएंगे तो उन्हें नहीं मिलेगा भविष्य में। कई बार ऐसा होता है कि आर्थिक तंगी के चलते उन्हें लगता है कि एक ऐसी जिम्मेदारी है जिससे मुक्ति पाना जरूरी है, जितनी जल्दी हम मुक्ति पा ले उतना बेहतर है। और कई बार होता है अशिक्षा के कारण, जागरूकता के अभाव के कारण उन्हें ये पता नहीं होता है कि अगर बहुत कम उम्र में लड़की की शादी हम कर दें तो उसके पर शारीरिक उसके दुष्प्रभाव क्या पड़ सकते हैं। तो ऐसे कई कारण हैं जिनका एक मिश्रण है, जिसके कारण आज भी समाज में बहुत सारे जगहों पे लड़कियों की जल्द बहुत कम उम्र में शादी कर दी जाती है। सर, हमने ऐसा कई जगह देखा है कि सिर्फ लड़कियों को सरकारी स्कूल भेजते हैं और लड़कों को प्राइवेट स्कूल। लड़कियों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जाता है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। विशेष तौर पर आज के समाज में जब हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, और धीरे धीरे ये परिस्थिति बदल रही है। ग्रामीण इलाकों में भी लड़कियां वहां से बाहर आकर, आप देखिए झारखंड में ही दीपिका कुमारी है, असुंता लकड़ा है जैसी लड़कियों ने बिल्कुल साधारण पृष्ठभूमि से आकर आज देश और विश्व के मानचित्र पर झारखंड का नाम स्थापित किया है। सर, बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं लेकिन उन्हें अपना टैलेंट दिखाने के लिए कोई अवसर नहीं मिलता, इसके लिए आप बच्चों की क्या सहायता करना चाहेंगे? देखिए, मैं अपनी क्षमता के हिसाब से, मैं जनप्रतिनिधि होने के कारण मैं अपने क्षेत्र में इन चीज़ों को लेकर बहुत सारी कोशिशें करता हूँ। जैसे फुटबॉल के क्षेत्र में मेरे बहुत सारे युवा साथी हैं जो गरीबी के कारण फुटबॉल खेल नहीं सकते हैं, तो उनको हर संभव सहायता हम लोग करते हैं। उनको टाटा फुटबॉल अकेडमी जैसे संस्थाओं में ट्रेनिंग करवाने के लिए भेजते हैं ताकि जो उनकी प्रतिभा है वो उसका सही आकलन हो सके और जो चयनकर्ता हैं, जो सेलेक्टर्स हैं, उनकी नज़रों में वो आ सकें। तो ये एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए, कोई एक आदमी इसको नहीं कर सकता है। जो सरकारी अफसर हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सामाजिक संस्थाएं जो काम कर रही हैं, उन सबको मिलकर हमें उस टैलेंट को पहचानना पड़ेगा जो ग्रामीण इलाकों में छुपे हुए हैं और विभिन्न कारणों से, आर्थिक सामाजिक कारणों से वो आज ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। सर, बाल विवाह को रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? इसमें भी एक सामूहिक प्रयास की जरूरत है। कोई एक आदमी, एक जनप्रतिनिधि या कोई ऑफिसर या कोई एनजीओ सिर्फ इस काम को नहीं कर सकता। और सबसे ज्यादा जरूरत है जागरूकता की। जब लोग जानेंगे कि अगर मैं जल्दी विवाह कर देता हूँ, कम उम्र में लड़कियों का विवाह हो जाएगा, तो उसके जीवन पर कौन से गलत प्रभाव पड़ेंगे, अगर उसकी जानकारी मिलने लगे लोगों को सही मायने में, तो लोग नहीं करेंगे। और ये एक निरंतर प्रक्रिया है, कोई एक प्रोग्राम करके इस बाल विवाह की प्रथा को खत्म नहीं किया जा सकता है। तो लगातार प्रयास होने की जरूरत है, सरकार के स्तर पर, एनजीओ के स्तर पर, जनप्रतिनिधियों के स्तर पर, और विशेष करके जो छात्र छात्राएं, जैसे आपके उम्र की जो छात्र छात्राएं हैं स्कूल्स में, उनको जागरूक करने की जरूरत है। अगर माँ बाप आप पर दबाव भी बनाए तो आपको ना कहना पड़ेगा, और संस्थाएं हैं जो अगर आप ना कहना चाहती है तो उस ना में वो आपके साथ खड़ी रहेंगी जब तक आपकी उम्र नहीं हो जाती है, या जब तक आप अपने बारे में मानसिक रूप से इतनी तैयार नहीं हो जाती कि आपको शादी करनी है, तब तक कोई जबरदस्ती आपको शादी नहीं करवा सकता है। तो इसमें एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है जिसमें हम सभी की जिम्मेदारी है। सर, आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी, इसके लिए आपको धन्यवाद। धन्यवाद, आपसे भी मुझे बहुत सारी जानकारी मिली है, थैंक यू। नंदनी, अब क्या इरादा है? हम फिर मिलेंगे, ये वादा है। तो देखते रहिए अधिकारों की बात बाल पत्रकारों के साथ। नन्हे मुन्ने चेहरे रे काओ के हम प्यारी, नन्हे मुन्ने।